भारत और बांग्लादेश के खिलाफ मैच में कप्तान विराट कोहली का शानदार प्रदर्शन जारी है। मैच की पहली पारी में कोहली ने शानदार 204 रनों की पारी खेली थी। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाने वाले कोहली के नाम लगातार दिलचस्प आंकड़े जुड़ते जा रहे हैं। भारत की तरफ से कोहली ने अब तक बतौर कप्तान एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा बार 200 से ज्यादा रन बनाए हैं। कोहली अब तक 6 बार ये कारनामा कर चुके हैं। अब तक पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर और मंसूर अली खान पटौदी ने 2 बार किसी एक टेस्ट मैच में 200 से ज्यादा रन बनाए हैं, जबकि सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी ने एक एक बार ऐसा किया है। विराट कोहली ने साल 2014-15 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बतौर कप्तान एडिलेड में खेले गए टेस्ट मैच की पहली पारी में 115 रन और दूसरी पारी में 141 रन बनाए थे। ये दोनों पारियों को मिला दें तो कोहली ने इस मैच में 265 रन बनाए थे। इसके बाद 2016 में वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने मैच में 200 रन बनाए थे। इंग्लैंड के खिलाफ विशाखापत्तनम में कोहली ने पहली पारी में 167 और दूसरी में 81 रन बनाए थे। मैच में उनका स्कोर था 248 रन। इसके बाद कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ हैदराबाद टेस्ट की पहली पारी में 204 और दूसरी में 38 रन बनाए हैं। इस तरह से उनका स्कोर 242 हो गया। साल 2016-17 में कोहली ने इंदौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए मैच की पहली पारी में 211 और दूसरी में 17 रन बनाए थे, यानी पूरे मैच में 228 रन। कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई टेस्ट में 235 रन बनाए थे। इससे पहले गावस्कर ने 1978 में वेस्टइंडीज के खिलाफ कोलकाता टेस्ट की पहली पारी में 107 रन और दूसरी पारी में 182 रन बनाए थे। इसके बाद उन्होंने मुंबई में इसी साल वेस्टइंडीज के खिलाफ ही पहली पारी में 205 और दूसरी पारी में 73 रन बनाए थे। मंसूर अली खान पटौदी ने 1967 में इंग्लैंड के खिलाफ मैच की पहली पारी में 64 और दूसरी में 148 रनों की पारी खेली थी। मैच में उनका स्कोर था 212 रन। इससे पहले 1963 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ही दिल्ली टेस्ट की पहली पारी में 13 और दूसरी में 203 रन बनाए थे। मैच में उनका कुल स्कोर था 216। सचिन तेंदुलकर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ साल 1999 में बतौर कप्तान मैच की पहली पारी में 217 और दूसरी पारी में 15 रन बनाए थे। वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने 2012 में बतौर कप्तान 224 रन बनाए थे। NMF न्यूज की रिपोर्ट।